हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बुनना सिखाऊंगी। इस स्वेटर को मैंने न्यूबॉर्न से लेकर 2 मंथ के बेबी के लिए बुना है। आप अगर इससे बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा, बस स्टिचेस एक्स्ट्रा लेकर और एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसको बुनकर आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। सिंगल धागे से सबसे पहले हमें यहाँ पे 66 स्टिचेस 66 फंदे अपनी सिलाई में डालने होंगे। मैंने डाल लिए हैं। अब इसके बाद हमें 4 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है, जिनको राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। जिस तरह से मैं ये रो बुनूंगी सेम एज इट इज, ऐसे ही हमें नेक्स्ट 3 रोज को भी बुनना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेंगे। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए टोटल 4 सिलाइयां मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम राइट साइड 5th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें बटन होल्स देने हैं। बटन होल्स के लिए स्टार्टिंग में हम 14 फंदे उल्टे बुन लेंगे, जिसमें से फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे ऐसे, और नेक्स्ट 13 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। टोटल 14 स्टिचेस हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। इसके बाद अब हमें बटन होल देना है। इसके लिए हम धागा सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे और नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं उनको इकट्ठा एक साथ लेते हुए ऐसे उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। अब इसके बाद 9-9 फंदों के गैप पर, 9-9 फंदों के गैप पर हम इसी तरह से बटन होल देंगे। यहाँ तक बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट आगे हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे। नाइन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे बटन होल देना है, जिसके लिए धागा सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। अब इसके बाद फिर से हमें ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट 9 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर बटन होल देंगे, फिर नेक्स्ट 9 फंदों को उल्टा बुनेंगे, बटन होल देंगे। तो यहाँ तक एंड तक हम इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहां तक 9 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद वैसे ही हम बटन होल देंगे और ये हमारे 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी ये 5th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आ जाएंगे। इस पूरी रो को हमें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और सारी रो को उल्टा बुन लेंगे। 6th रो को उल्टा बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। इस रो को भी हमें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। 7th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड की 8th रो पर हम आ गए हैं। इस रो को भी हमें उल्टा ही बुनना है, लेकिन इस रो में हम मार्कर्स लगाकर नेक्स्ट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो टोटल ये हमारे 6 फंदे हैं। इसके बाद हम यहां पे एक मार्कर लगा देंगे। उसके बाद काउंट करते हुए 11 फंदे बुनकर फिर हम एक मार्कर लगा देंगे। उल्टा ही बुनना है हमें इनको। मार्कर के बाद फिर से हम 11 फंदे उल्टे बुनकर फिर एक मार्कर लगा देंगे। अब इसके बाद जितने भी फंदे हैं सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। 8th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड की 9th रो पर आ गए हैं। ये जो बटन स्ट्रिप थी इसकी रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे जो हमने ये मार्किंग की है यहाँ से हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन डालते हुए इस पार्ट को बुनेंगे।
तो ये देखिए आपको कैसे बुनना है। ये जो डिज़ाइन हम यहाँ पे डालते हुए जा रहे हैं, ये मार्किंग हमने इसके लिए की है। और ये जो नीचे का पार्ट है, इसमें हम वैसे ही दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको बुनेंगे। तो राइट साइड से 9th रो में अब देखिए हम डिज़ाइन को कैसे बुनते जाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके जितने भी हमारे यहाँ पे इस फर्स्ट मार्कर तक फंदे हैं, इन सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। यहाँ तक इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके नेक्स्ट फंदों पे अब हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। ये वाला जो डिज़ाइन है, 7 फंदों पे इस डिज़ाइन को हमें बनाना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे बुनेंगे। स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट तीसरा फंदा है, इस फंदे को सीधा बुनते हुए इसके हमें 3 बनाने हैं। एक बार हम इसको ऐसे सीधा बुनेंगे, ऐसे। फिर हमें धागा जो पीछे है सिलाई के ऊपर ऐसे लपेटते हुए फिर पीछे लेकर जाना है, और इस फंदे को हमें एक बार फिर से ऐसे सीधा बुनना है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक फंदे के हमने 3 बना दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फंदा है, इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, इसको हमें नहीं बुनना। इस फंदे के बाद जो नेक्स्ट फंदा है, फिर इसे हमें फिर से सीधा बुनते हुए 3 बनाने हैं। एक बार इस तरह से हमने सीधा बुना, इसको हमें सिलाई में से निकालना नहीं है, छोड़ना नहीं है। धागा पीछे है, एक बार सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे लेकर जाएंगे और फिर से इसी फंदे को सीधा बुन देंगे। तो इस तरह से हमने इस एक फंदे के भी 3 बना दिए हैं। अब नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं, उनको हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने इन 7 फंदों पे इस डिज़ाइन को सेट कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 4 फंदे हैं, धागा आगे लेकर आएंगे और इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से यहाँ तक बुन लेने के बाद फिर हमारा मार्कर आ जाएगा, इसको हमें यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर से हमें वैसे ही डिज़ाइन को सेट करना है जैसे हमने इन 7 फंदों पे डिज़ाइन बनाया था। धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुनने के बाद जो तीसरा फंदा है, इस फंदे के हमें 3 बनाने हैं। ऐसे एक बार हमने सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पर लपेटते हुए पीछे लेकर गए, फिर से इस फंदे को हम बुन देंगे सीधा। एक फंदे के 3 बन गए। नेक्स्ट फंदा हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, इसको हमें नहीं बुनना। इसके बाद नेक्स्ट फंदे के फिर से हमें 3 बनाने हैं। धागा सिलाई पर लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे और इसको फिर से बुन देंगे, और नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से हमारा ये 7 फंदों पे फिर से डिजाइन सेट हो गया है। अब हमारे पास ये जो 4 फंदे हैं मार्कर से पहले, इनमें से हमें 3 फंदों को उल्टा बुनना है। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, 1, 2 और ये 3। इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये जो मार्कर से पहले एक फंदा है, इसे हमें नहीं बुनना और इन फंदों को भी हमें नहीं बुनना। यहाँ पे एक फंदा हम इंक्रीज कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए ऐसे हम उंगली पर इस धागे को ऐसे घुमाते हुए ऐसे, फिर इसको हम ऐसे सिलाई में डाल लेंगे और ऐसे पकड़कर खींच देंगे। धागे को ऐसे हम पीछे कर देंगे। यहाँ के बाद अब हम इस रो को टर्न कर लेंगे। इसको टर्न करके अब हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ गए हैं, और ये जो फंदा हमने अभी बढ़ाया था, इसको हम ऐसे बिना बुने ऐसे शिफ्ट कर लेंगे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में जो ये 3 फंदे हमने वहाँ पे उल्टे बुने थे, इनको तो हमें उल्टा बुनना ही है। स्टार्टिंग के इन 3 फंदों को उल्टा बुनकर फिर हमारे जो ये 7 फंदे थे, 7 फंदों में से ये जो स्टार्टिंग के 2 फंदे जिनको हमने वहाँ पे सीधा बुना था, इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। 1, 2, 7 में से 2 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये जो 3 फंदे हमने बनाए थे एक फंदे के, इनको हमें इस तरह से लेना है और बिना बुने ही ऐसे दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर लेना है। फिर ये जो नेक्स्ट फंदा है, इसको हमें उल्टा बुनना है। इस फंदे को उल्टा बुनने के बाद फिर से हमारा वो फंदा आ जाएगा जिसमें हमने 1 के 3 बनाए थे। इनको फिर से हमें बिना बुने ऐसे ही दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर लेना है, और फिर नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से हमने इन 7 फंदों को बुन लिया है। अब
हमारा फिर से ये मार्कर आ गया है, मार्कर को शिफ्ट करके नेक्स्ट जो है चार फंदे, ये हमें जो हमने उस साइड उल्टे बुने थे इनको हम यहाँ पे भी उल्टा बुन लेंगे। चार फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये सात फंदे आ जाएंगे डिजाइन के, जिसमें से स्टार्टिंग के ये जो दो फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं इनको हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है। इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद फिर एक फंदे के जो तीन बनाए थे ये फंदे आ जाएंगे। इन तीनों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेते हुए हमें ऐसे स्लिप करते हुए दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर लेना है और नेक्स्ट फंदा जो ये नज़र आ रहा है इसको हमें उल्टा बुनना है। फिर से तीन फंदे आ जाएंगे, इनको हम वैसे ही शिफ्ट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट ये जो दो फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इन सात फंदों को भी बुन लिया है। मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके फिर ये जितने भी फंदे हमारे यहाँ तक हैं इन सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए इस 10th रो को, 10वीं सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। टेंथ रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड की 11th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें स्टार्टिंग के यहाँ से फर्स्ट फंदे को स्लिप करके मार्कर तक सारे फंदों को उल्टा बुनना है। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके। अब ये जो सात फंदे हैं जिन पे हमने डिज़ाइन बनाया था इनको हमें देखिए किस तरह से बुनना है। जो ये तीन फंदे थे इनको अब हमें पहले लेके आना है, पहले हमें इनको बुनना है फिर इन दोनों फंदों को बुनना है। तो यहाँ पे हम इसको ट्विस्ट करेंगे, जिसके लिए ये जो सिलाई है इसको ऐसे आगे से हम ले जाते हुए पहले इन तीन फंदों को इस तरह से ले लेंगे और इन फंदों को ऐसे निकालेंगे सिलाई में से और ये फिर से हम ऐसे सिलाई में डाल लेंगे और ये जो फंदे हैं इनको हमें ऐसे शिफ्ट कर लेना है। अब इन फंदों को ऐसे हमें सीधा बुनते हुए इन तीन फंदों का एक बनाना है, ऐसे इन तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब इन दोनों फंदों को भी हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से बुन जाने के बाद ये जो फंदा है नेक्स्ट फंदा इसको हम स्लिप कर लेंगे और इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब ये जो तीन फंदे हैं इनको हमें यहाँ पे पीछे लेकर जाना है। तो हम यहाँ पे ऐसे सिलाई को लेंगे और ये जो हमारे फंदे हैं इनको इस तरह से लेते हुए इन तीनों फंदों को ऐसे निकालेंगे और सिलाई को ऐसे आगे से लेते हुए इनमें ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और अब पहले हम इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो, और इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए ऐसे हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से अब ये हमारा डिजाइन सेट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारे ये चार फंदे हैं इन चार फंदों में से हम पहले इन तीन फंदों को उल्टा बुन लेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक दो और ये तीन। अब इस फंदे को हमें नहीं बुनना और इन फंदों को भी हमें नहीं बुनना। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ एक फंदा इंक्रीज किया था उसी तरह से ऐसे सिलाई पर ऐसे उंगली से घुमाते हुए एक फंदा ऐसे डाल लेंगे और फिर इसको पकड़कर खींच देंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, यहीं से हम इस रो को ऐसे टर्न कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। ये जो हमारी 12th रो है इसको हमें पूरी रो को उल्टा बुनना है। ये जो फंदा हमने बढ़ाया था इसको हम ऐसे स्लिप करके जितने भी फंदे हैं सभी को उल्टा बुन लेंगे। यहां तक इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 12th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड की 13th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें फर्स्ट फंदे को स्लिप करके ये जो मार्कर है इसके यहां पे इस एक फंदे को छोड़कर जितने भी ये फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है।
ऐसे फर्स्ट फंदे को स्लिप करके मार्कर से एक फंदा पहले तक हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करना है। जैसे अभी तक हम करते हुए आए थे, इस तरह से घुमाते हुए सिलाई पर ऐसे हम डाल लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। यहीं से इसको हम टर्न करके रॉन्ग साइड की 14th रो पर आ गए हैं। इसमें हमें इस फंदे को जो हमने बढ़ाया था ऐसे ही स्लिप करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं, और जितने भी फंदे हैं सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए ये 14th रो हम कंप्लीट कर लेंगे। 14th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड की 15th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें वैसे ही फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को उल्टा बुनते हुए जाना है फर्स्ट मार्कर से पहले। यहां तक इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है। अब मार्कर से पहले हमारे पास ये जो दो फंदे हैं इन दोनों को इकट्ठा एक साथ इस तरह से हम लेंगे, उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे, जिससे कि जो हमारा फंदा हमने बढ़ाया था वो हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। अब मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। फिर से हमें यहाँ पे डिज़ाइन डालना है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमने शॉर्ट रोज से बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लिया था। तो इन 7 फंदों पे दोबारा से हम फिर से वही डिज़ाइन सेट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। धागा पीछे लेकर जाएंगे, स्टार्टिंग के दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर तीसरे फंदे में से हमें इस फंदे को सीधा बुनते हुए 3 बनाने हैं। नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद इस फंदे के फिर से हम 3 बनाएंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे बुन लेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पे हमारे पास 5 फंदे हैं। इनमें से जो ये 3 फंदे हैं इनको पहले हम धागा आगे लाकर उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद हमने यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाया था, इस फंदे को इसके साथ लेते हुए इन दो फंदों का हम एक बना देंगे, जिससे कि जो हमने फंदा बढ़ाया था वो हमारा यहाँ सेट हो जाएगा। इसके बाद मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ जो हमने डिज़ाइन डाला था शॉर्ट रोज हो जाने की वजह से हम इसको सेट नहीं कर पाए थे, तो अब हमें यहाँ पे भी उसी तरह से डिज़ाइन को सेट करना है जैसे हमने यहाँ पे इनको बनाया था। तो सबसे पहले हम धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये जो हमारे 3 फंदे हैं इनको हमें पहले लेकर आना है। इस तरह से ऐसे हम सिलाई पर लेंगे, इन फंदों को निकालेंगे, फिर से ऐसे डाल लेंगे और इनको दोबारा से ऐसे डालते हुए पहले हम इनको ऐसे 3 फंदों का एक बनाते हुए सीधा बुन देंगे, फिर हम इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, फिर ये जो फंदा है इसको हमें स्लिप करना है, और अब ये जो फंदे हैं इन 3 फंदों को इनको हमें यहाँ पे लेकर जाना है, जिसके लिए जो हम सिलाई हैं इस तरह से ऐसे डालते हुए इन दोनों फंदों में इन तीनों को ऐसे निकाल कर ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और इन दोनों फंदों को आगे ले आएंगे। और अब पहले हम इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए 3 का एक बना देंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन सेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं 5 फंदे हो गए हैं, जिसमें से 3 फंदों को ऐसे धागा आगे लाकर उल्टा बुन लेंगे। और फिर ये फंदा और ये इन दोनों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए हमें 2 का एक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक फंदा बढ़ाया था, हमें उसे दोबारा से सेट करना है। अब यहाँ पे मार्कर को शिफ्ट करके ये जितने हमारे 6 स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। फिफ्टींथ रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें इस सेकेंड मार्कर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इन फंदों को उल्टा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इनको हम उल्टा बुन लेंगे।
यहाँ तक इनको उल्टा बुन लेने के बाद अब हम मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और नेक्स्ट जो हमारे फंदे हैं जिसमें से स्टार्टिंग के ये चार फंदे और ये डिज़ाइन के साथ में से ये जो दो उल्टे नज़र आ रहे हैं ये टोटल छः फंदे 6 स्टिचेस हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। इन 6 स्टिचेस को उल्टा बुनने के बाद फिर से हमारा वो फंदा आएगा जिसमें हमने एक फंदे के 3 बनाए थे डिज़ाइन को सेट करने के लिए, इनको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर से हमारे वो फंदे आ जाएंगे जो हमें एक के हमने 3 बनाए थे, इनको भी ऐसे ही शिफ्ट कर लेंगे और लास्ट के ये जो दो फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है मार्कर को शिफ्ट करके। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी ये फंदे हैं इनको उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। 16th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड की 17th रो पर आ जाएंगे। अब आप ये देखें 9 से लेकर 16 तक टोटल हमने यहाँ पे 8 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट की हैं। 8 रोज हमने कंप्लीट की हैं और इन 8 रोज में जब हमने 9th से इसको बुनना स्टार्ट किया तो ये जो मार्कर है हमारा इसका एक फंदा छोड़कर, एक फंदा ये और 6 फंदे ये, टोटल इन 7 फंदों को हमने नहीं बुना। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाकर यहाँ तक हम इसको बुनते हुए आए और फिर यहीं से इसको टर्न करते हुए फिर हमने इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट किया। फिर इसके बाद दोबारा से जब हम राइट साइड की 11th रो पर आए फिर यहाँ से हम इसको बुनते हुए आए और ये जो मार्कर है हमारा सेकेंड मार्कर, इससे पहले भी एक फंदा छोड़कर ये फंदा और इन फंदों को हमने नहीं बुना। यहाँ पे एक फंदा फिर हमने इंक्रीज किया और यहीं से इसको टर्न करते हुए इस रो को, जो रॉन्ग साइड की रो है, इसको बुनकर कंप्लीट करके फिर से हम राइट साइड पर जब आए, राइट साइड की 13th रो पर, यहाँ से हमने इस थर्ड मार्कर के एक फंदे को छोड़कर जितने भी ये फंदे थे इन सभी को उल्टा बुनकर यहाँ पे फिर से एक फंदा बढ़ाया और यहीं से इसको टर्न करते हुए यहाँ से इस रो को, रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट किया। फिर हम जब राइट साइड पर आए, ये हमारी 15th रो थी, यही एक ऐसी रो थी जिसमें कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को बुना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 15th रो में बुनकर फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर उसको पूरा कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमने इन 8 सलाइयों को बुना है। इन्हीं 8 सलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, इसी तरह से हमें बुनते जाना है। जो डिफरेंस हमारा आएगा वो सिर्फ इस डिज़ाइन की वजह से आएगा, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है हमारा 4-4 सलाइयों का डिज़ाइन है और जब हम शॉर्ट रोज की वजह से आगे तक इसको बुन ही नहीं रहे तो ये जो डिज़ाइन है इक्वल नहीं होगा दोनों साइड। कई बार हम 4 सलाइयाँ जब यहाँ पे पूरी होंगी तो डिज़ाइन सेट करेंगे, फिर यहाँ पे होंगी तो हम सेट करेंगे, तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और ये डिज़ाइन जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये सेटिंग करनी आपको ईजी हो जाएगी। इस डिज़ाइन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके एक बार अच्छे से जब इस डिज़ाइन को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब हमें जो ये 8 सलाइयाँ हमने यहाँ पे बुनी है इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे। 17th रो से फिर जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेकर फिर से इस मार्कर से एक फंदा पहले तक, इस फंदे को छोड़कर और इन फंदों को छोड़कर यहाँ तक हम सेम एज इट इज़ वैसे ही बुनेंगे जैसे 9th रो हमने बुनी थी, बस इस डिज़ाइन को हम सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे करते हुए टोटल हमें 8 सलाइयाँ एक बार तो हमने बुन ली, इसी तरह से 5 बार और इन 8-8 सलाइयों को जब हम बुन लेंगे तो हमारा जो ये पार्ट है इतना बुनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 17th रो से मैं फिर से आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसको बुनना है, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि इस डिज़ाइन को हम कैसे सेट करेंगे। तो राइट साइड की ये जो 17th रो है इसको पहले हम यहाँ से लेकर इन फंदों को यहां तक इस मार्कर तक उल्टा बुन लेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद मार्कर को यहां पे शिफ्ट करके धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे डिजाइन के फंदे हैं इनको हमें यहां पे सेट करना है। पहले इन फंदों को जो हमने 1 का 3 बनाया था इसको यहां पे लेके आएंगे, फिर इन फंदों को बुनेंगे। तो इसके लिए सिलाई को ऐसे हम डालेंगे और इन फंदों को ऐसे निकालेंगे, सिलाई में फिर से ऐसे डालेंगे, फिर इनको शिफ्ट करेंगे और फिर हम
इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। उसके बाद इन फंदों को हम बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा फंदा है इसको हमें ऐसे स्लिप करना है। उसके बाद जो ये वाले फंदे हैं इनको हमें यहाँ पे लेके जाना है और इन फंदों को हम आगे लेकर आएंगे, जिसके लिए सिलाई को इस तरह से डालते हुए ऐसे इन फंदों को हम निकाल लेंगे, फिर इनको शिफ्ट करेंगे और फिर इनको ऐसे डाल लेंगे। और अब पहले हम इन फंदों को बुनेंगे और फिर इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए तीन फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये डिज़ाइन सेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो है ये चार फंदे धागा आगे लाकर उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो सात फंदे हैं इन पे हमें अब डिज़ाइन सेट करना है। यहाँ का तो हमने चार रोज कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन की, बट अब यहाँ पे हमारी सीक्वेंस चेंज होगी, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस फंदे के हमें एक फंदे को सीधा बुनते हुए तीन बनाने हैं। अगर ऐसे लपेटेंगे फिर से इसको बुनेंगे। इस एक फंदे के हमने तीन बना दिए हैं। नेक्स्ट फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, ये वाला फंदा है हमारा। फिर उसके बाद ये जो फंदा है इसके हमें फिर से तीन बनाने हैं। धागे को ऐसे लपेटते हुए फिर से इसको बुनेंगे, तो एक फंदे के तीन हो गए। नेक्स्ट दो फंदों को हम सीधा बुन देंगे। फिर इसके बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब जैसे हमने नाइन्थ रो बुनी थी जिसमें हमने इन चार फंदों में से तीन फंदों को बुना था, ये फंदा और इन फंदों को हमें नहीं बुनना। धागा आगे लाकर एक दो और ये तीन, इन तीन फंदों को बुनकर फिर से अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे उंगली पे इस धागे को लपेटते हुए सिलाई पर ऐसे डाल देंगे, पकड़कर खींच देंगे। यहाँ से धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर हम इस रो को टर्न कर लेंगे। तो फिर इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और यहाँ से जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, जैसे इस फंदे को उल्टा बुनना था तीन फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर ये डिज़ाइन के सात फंदों में से पहले ये जो दो फंदे हैं इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो तीन फंदे हैं इनको बिना बुने ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर से ये तीन फंदे आ जाएंगे, इनको भी हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, मार्कर को शिफ्ट करके। फिर यहाँ पे हमारे जितने भी फंदे हैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हमें उल्टा ही बुनते जाना है। इस तरह से हम अपनी ये 18th रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 18th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड की 19th रो पर आ गए हैं। ये जो 19th रो है इसमें बस डिज़ाइन को हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, बट जैसे हमने 11th रो को बुना था वैसे यहाँ से लेकर इस फंदे को छोड़कर यहाँ तक इन सारे फंदों को हम बुन लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट मार्कर तक फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट मार्कर तक इन फंदों को बुन लेने के बाद मार्कर को शिफ्ट करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो हमारे डिज़ाइन के स्टिचेस हैं इस पे हमें फिर से डिज़ाइन सेट करना है। दो फंदे सीधे, नेक्स्ट फंदे के हमें तीन बनाने हैं। इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर से इस फंदे के तीन बनाएंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे पास ये जो चार फंदे हैं इस मार्कर से पहले एक फंदे को छोड़कर ये तीन फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा और इन फंदों को हमें नहीं बुनना। यहां पे एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और यहीं से इसको हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा फंदा है जो हमने बढ़ाया था इसको स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट तीन फंदे तो ये और इन सात में से स्टार्टिंग के ये दो फंदे, टोटल पांच फंदे हम उल्टे बुन लेंगे।
पांच फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये जो हमारे फंदे हैं जिसमें से एक तीन हमने बनाए थे, इन तीनों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर से वो फंदे आ जाएंगे जो हमने एक के तीन बनाए थे, इनको फिर से स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे, मार्कर को शिफ्ट करके यहां से लेकर यहां तक सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए इस तरह से हमें अपनी ये 20th रो कंप्लीट करनी है। 20th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड की 21st रो पर आ गए हैं। इस रो में हमें यहां से लेकर इस मार्कर का एक फंदा छोड़कर इससे पहले तक सारे फंदों को उल्टा बुनकर यहां पे एक फंदा बढ़ाकर और फिर जो रॉन्ग साइड की रो है उसमें हम टर्न कर लेंगे, फिर उस फंदे को जो हमने बढ़ाया है उसको स्लिप करके और यहां तक इस सारी रो को जो हमारी रॉन्ग साइड की 22nd रो होगी बुनकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से इन दोनों रोज को और हम बुन लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक इस 21st रो को बुन लेने के बाद ये मार्कर से पहले एक फंदा है इसको हम नहीं बुनेंगे, यहां पे इस तरह से एक फंदा बढ़ाकर फिर यहां से इसको धागे को पीछे ले जाकर इसको हम टर्न करेंगे और फिर हमें यहां पे इस फंदे को स्लिप करना है और पूरी रो को जो हमारी 22nd रो है इसको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ट्वेंटी सेकेंड रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम राइट साइड की 23rd रो पर आ जाएंगे। इस रो में हमें यहां से लेकर यहां तक सारे फंदों को बुनना है। तो पहले हम यहां तक इन फंदों को बुनते हुए आते हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहां से लेकर यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद फर्स्ट मार्कर से पहले के ये जो दो फंदे हैं इनको इकट्ठा एक साथ हम लेंगे और उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे, फिर मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करके फिर जैसे हम डिज़ाइन बनाते हुए आए थे इनको हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए यहाँ पे भी ये दो फंदों का हम एक बना देंगे और यहाँ पे भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए दो फंदों का ये एक बना देंगे और इन फंदों को भी इस तरह से बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस मार्कर से पहले इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे उल्टा बुनते हुए हम एक बना देंगे, मार्कर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और फिर से ये जो फंदे हैं इन पे हमें डिज़ाइन को सेट करना है, धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस मार्कर से पहले कि ये दो फंदे फिर से हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे, मार्कर को शिफ्ट करके अब इस रो में हम इन फंदों को भी बुन लेंगे। इस तरह से हमने अपनी ये 23rd रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। ये जो हमारी 24th रो है यहां से लेकर यहां तक सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है।
फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। 24th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आप ये देखें 9 से लेकर 16 तक जो 8 सलाइयां हमने बुनी थी, 17 से लेकर 24 तक मैंने दोबारा से फिर आपको बुनकर बताई है, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा कि कैसे हमें आगे इसको बुनना है। तो ये जो डिजाइन की सीक्वेंस है इसको ध्यान में रखते हुए तो इसी तरह से इन 8-8 सलाइयों को इसी सीक्वेंस से आगे हम बुनते चले जाएंगे। तो आगे का पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर। 9th रो से यहां तक 8-8 सलाइयों को 6 बार मैंने बुना है। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 5.5 इतना हमारा ये बुनकर कंप्लीट हुआ है। 5.5 इंच मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है। अब इसके बाद आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये जो ब्रेड है हमारी यहाँ पे 6 टाइम आई है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारी 9 टाइम आई है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स के लिए डिविजन करेंगे। ये पार्ट इतना बुन जाने के बाद अब हम यहाँ से इस तरह से स्लीव्स को बुनना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करते हुए फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ इस फर्स्ट मार्कर के 2 फंदों को छोड़कर इन सारे फंदों को यहाँ तक बुन लेंगे। तो फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 36 फंदों को मैंने बुन लिया है और ये मार्कर से पहले 2 फंदों को नहीं बुना। अब यहाँ से इसको हम टर्न करते हुए इन सारे फंदों को एक पिन में डाल लेंगे। इस तरह की पिन में भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप सुई से धागे में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हम इन सारे फंदों को इसमें शिफ्ट कर लेंगे। इन फंदों को पिन में सिक्योर करने के बाद अब हम यहां से जितने फंदे हमने इसमें पिन में डाले हैं उतने ही फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। यहां पे हम टोटल 36 फंदे फिर से डाल लेंगे, जिसके लिए इस तरह से एक फंदा हमने डाल लिया, 2, 3, 4 ऐसे ही टोटल 36 फंदे हम इसमें डाल लेंगे। 36 स्टिचेस को मैंने डाल लिया है। अब इन 36 फंदों को डालने के बाद फिर से यहां से लेकर यहां तक जिस तरह हम यहां से 8-8 सलाइयां बुनते हुए आए थे उसी सीक्वेंस से हमें 10 बार इन 8-8 सलाइयों को बुनना है। और तो सब कुछ बिल्कुल सेम ही तरीके से बुनना है, बस यहाँ पे स्लीव्स के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट रोज बुनेंगे, जिससे कि ये जो स्लीव्स हैं हमारी इस तरह से बुन जाएगी। तो इसके लिए अब यहाँ पे कैसे हमें इसको बुनना है ये तो पार्ट आपको पता ही है, लेकिन यहाँ से कैसे हम इसको बुनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। 8 सलाइयों में से जो पहली हमें बुननी है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फंदा छोड़ के, और ये वाले फंदे इनको नहीं बुनना। यहाँ तक इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे जैसे अभी तक हम बुनते हुए आए थे। यहाँ से बुनते हुए मैंने ये फर्स्ट रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब ये जो स्टिचेस हैं और मार्कर से ये एक फंदा ये हमें नहीं बुनना। यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज करके धागा पीछे ले जाएंगे और यहीं से इसको हम टर्न कर लेंगे। फिर जो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है इस फंदे को स्लिप करके अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जैसे हम अभी तक बुनते हुए आए हैं यहाँ तक बुनते हुए लास्ट के ये जो 6 फंदे छोड़कर यहाँ तक इसको हम बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रो को बुन लिया है। अब हमारे पास लास्ट में ये 6 फंदे हैं। अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड की 3rd रो पर आ गए हैं।
इसमें हमें यहाँ से बुनते हुए सेकेंड मार्कर का एक फंदा छोड़कर यहाँ तक सारे फंदों को बुनना है। जैसे अभी तक हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुनते हुए आए थे 8-8 रोज को, वैसे ही अब हम इस थर्ड रो को पहले यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो को यहाँ तक बुन लेने के बाद अब हम यहाँ एक फंदा इंक्रीज करके और इस रो को टर्न कर लेंगे। अब इस फंदे को स्लिप करके हमें यहाँ पे एंड के मार्कर से एक फंदा पहले तक इसे छोड़कर यहाँ तक सारे फंदों को बुनकर कंप्लीट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद ये 6 फंदे और इस मार्कर से पहले ये फंदा, इसको हमें नहीं बुनना। यहाँ पे भी हम एक फंदा बढ़ा लेंगे जैसे अभी तक हम बढ़ाते आए थे। इस तरह करके यहीं से इसको हम टर्न कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और अब हम राइट साइड की 5th रो पर आ गए हैं। ये रो हमें यहाँ से बुनते हुए इस फंदे को पहले स्लिप करना है और यहाँ से इन फंदों को बुनते हुए हम इस मार्कर से एक फंदा पहले तक यहाँ तक इसको बुन लेंगे। यहाँ से लेकर इस थर्ड मार्कर के एक फंदे को छोड़कर यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब वैसे ही एक फंदा इंक्रीज करके यहाँ से इसको टर्न करते हुए हम नेक्स्ट 6th रो पर आ जाएंगे और इसमें हम यहाँ इस फंदे को स्लिप करके और यहाँ तक पहले इसको बुन लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको उल्टा बुनते हुए अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब इस फंदे को और मार्कर से पहले वाले इस फंदे को दोनों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए हम एक बना देंगे मार्कर को शिफ्ट करके और इन 6 फंदों को भी बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 6th रो बुनकर कंप्लीट की है। इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से हमें ये शॉर्ट रो यहाँ पे स्लीव्स में बुननी है। अब जो हमारा ये 8-8 सिलाइयों की सीक्वेंस है वो तो हमारी एज इट इज वैसे ही होगी जैसे हम यहाँ से बुनते हुए आए थे। यहाँ पे बस हम फुल बुन रहे थे लेकिन स्लीव्स में हम यहाँ पे शॉर्ट रोज दे रहे हैं। अब इसकी सीक्वेंस आप देखिए कैसे होगी। जैसे अब हम यहाँ से जो बुनना स्टार्ट करेंगे टोटल 4 सिलाइयाँ फुल हमें बुननी है। डिज़ाइन ये तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा लेकिन इसके अकॉर्डिंग 4 सिलाइयाँ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो हर 5वीं-6ठी सिलाई पर आपको इसी तरह से शॉर्ट रो बुननी है। फिर उसके बाद फिर से 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर 5वीं-6ठी पे ऐसे ही करना है। तो ये ध्यान में रखते हुए सीक्वेंस को यहाँ पे हम स्लीव्स को बुन लेंगे और ये जो है डिज़ाइन एज इट इज़ वैसे ही चलता जाएगा जो 8 रोज का हमारा बुनता जा रहा था। तो यहाँ से टोटल 10 टाइम्स हम इस डिज़ाइन की सीक्वेंस को बुन लेंगे। तो आगे का पार्ट हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस स्लीव को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 8-8 सिलाइयों की 10 सीक्वेंसेस मैंने कंप्लीट की हैं और यहाँ तक हमने 6 टाइम 8-8 सिलाइयाँ बुनी थी तो टोटल ये 16 हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। जब आप इस लाइन में इस ब्रेड में इनको काउंट करेंगे तो ये भी हमारी 16 होंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो जैसे ही ये हमारी 16 हो जाएंगी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं मेजर करके भी आपको बता देती हूँ कि ये पार्ट हमने कितना बुना है। नियर अबाउट 6.5 इंच, 6.5 इंच हमने इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी स्टिचेस हमने कास्ट ऑन किए थे उन सारे स्टिचेस को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए ऐसे हम 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे, इसको फिर दोबारा से सिलाई मिलेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, फिर से 2 फंदों को एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, फिर से इसको सिलाई मिलेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से हम इन फंदों को क्लोज कर देंगे।
इन फंदों को यहाँ पे क्लोज करने के बाद अब हमारे पास ये दो फंदे रह जाएंगे मार्कर से यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमने ये पिन में सिक्योर किए थे स्टिचेस, इन सारे फंदों को हम दोबारा से सिलाई में डाल लेंगे और इनके साथ डालते हुए फिर आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इन फंदों को हम सिलाई में डाल लेते हैं। पिन में से सारे फंदों को मैंने यहाँ पे दोबारा से सिलाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इस पार्ट को हम ऐसे लेंगे और जो स्लीव हमने बुनी थी यहाँ से हम क्लोज करते हुए आए थे, इसको हम ऐसे ले लेंगे और अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टा बुनते हुए इस सिलाई में ही इन फंदों को बुनते जाएंगे। तो अब देखिए ये जो धागा हमारा पीछे था इसको हम ऐसे आगे ले आएंगे, एक फंदा हम इस तरह से इंटरचेंज करेंगे ताकि ये हमारा यहाँ पे होल ना रहे। इस तरह से पहले हम इसको बुनेंगे, फिर हम इस फंदे को बुन लेंगे। इस तरह से हम पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। यहां तक इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां तक मैंने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहां से फिर से जब हम कंटिन्यू करेंगे वैसे ही 8-8 सिलाइयां हमें बुनते जाना है। अब ये बैक पार्ट हम बुनेंगे, इसमें हमें 14 बार 8-8 सिलाइयों को बुनना है, वैसे ही जैसे हम यहाँ पे बुनते हुए आए थे। यहाँ पे हमें स्लीव की तरह भी कुछ नहीं करना, शॉर्ट इस तरह से सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्हीं 8-8 सिलाइयों को 14 बार हम जब बुन लेंगे तो हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम बुनकर इस बैक पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। बैक के इस पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद सेम एज इट इज आपको वैसे ही बुनना है जैसे मैंने स्लीव के लिए आपको बुनकर बताया था। यहाँ से 36 फंदों को हम पिन में डाल लेंगे और जब हम स्लीव बुनना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए 36 स्टिचेस फिर यहाँ पे कास्ट ऑन करके आगे इस स्लीव को जैसे यहाँ तक हमने बुना है एज इट इज वैसे ही शॉर्ट रोज को देते हुए इसको बुनकर फिर जैसे हमने यहाँ पे बैक पार्ट में पिन में से फंदों को दोबारा से डालकर इस पार्ट को आगे कंटिन्यू किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को बुन लेंगे। इतना पार्ट हम फ्रंट का कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद आगे का ये हम बटन स्ट्रिप बनाएंगे। तो इतना पार्ट अब हम इसको बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बैक पार्ट को बुनने के बाद ये स्लीव सेम एज इट इज इतना ही मैंने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया और इसके बाद फ्रंट के इस पार्ट को भी मैंने बुन लिया है। यहाँ पे 8-8 रोज की 6 सीक्वेंस कंप्लीट की है जैसे कि इस फ्रंट के पार्ट में की थी। अब हम यहाँ पे ये बटन स्ट्रिप बनाएंगे। इस बटन स्ट्रिप को बनाने के लिए अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रोज बुननी है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से टोटल 8 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद सारे फंदों को क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह से ये 8 रोज हम बुन लेते हैं। बटन स्ट्रिप के लिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 8 सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब राइट साइड से जब आप इसे देखेंगे तो ये उल्टी उल्टी जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये हमारी 4 होंगी, 1, 2, 3, 4। तो अब यहाँ पे इन सारे फंदों को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए वैसे ही हम करेंगे, दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और इंक्लूड करेंगे, फिर से दो फंदों को उल्टा बुनते हुए एक बना देंगे। इस तरह से हम इन सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। इन सारे फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम यहाँ पे बटन्स लगा लेंगे और स्लीव की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्लीव की स्टिचिंग के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे राइट साइड से ले लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मैंने नॉट लगा के इस धागे को सेट कर दिया है। अब यहाँ से इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे थ्रेड को पक्का कर लेंगे। अब हम एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे इस तरह से इन चेन्स में नीडल को ऐसे डालते हुए स्टिच करेंगे। एक बार हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे भी
इस तरह से हम डालेंगे। फिर से इस चेन में ऐसे डालेंगे। फिर यहां से इस पार्ट में डालेंगे। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे। स्लीव्स को स्टिच करके और ये बटन्स लगाकर मैंने बेबी स्वेटर को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। जो हमने इसकी लेंथ बुनकर कंप्लीट की है वो है 10.5, 10.5 इंच हमने इसकी लेंथ को बुना है। और जो स्लीव यहां से अगर हम इसको मेजर करेंगे ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10.5 इंच हमने बुनी है। और इसके बाद यहां से लेकर जो इसकी विड्थ है 9 इंचेस हमने इसकी बुनकर कंप्लीट की है। अगर आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।